अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सैकेप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सैकेप क्लेम फॉर्म जो है अवेलेबल हो गया है। आप ये देख सकते हैं, ये सैकेप की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अंदर कट ऑफ मार्क्स सैकेप रिजल्ट के नीचे क्लेम कॉलेज का ऑप्शन जो है वो ऐड हो गया है। वो स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में एडमिशन से सेटिस्फाई नहीं है, जिनका ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो गया है जिसमें वो और एडमिशन नहीं चाहते थे और उन्होंने जो कॉलेज की लिस्ट चूज़ की थी उसमें भी वो कॉलेज उन्होंने नहीं लिखा था, तो वो तमाम स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में एडमिशन से सेटिस्फाइड नहीं है और कॉलेज चेंज करना चाहते हैं वो इस क्लेम कॉलेज के ऑप्शन में जाकर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्लेम करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तमाम स्टूडेंट्स कॉलेज क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स ही कॉलेज को क्लेम कर सकते हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है और उनका ऐसे कॉलेज में एडमिशन आ गया है जिसकी कट ऑफ मार्क्स या मेरिट जो है वो उनकी परसेंटेज से कम है और वो चाहते हैं कि उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन हो जाए। तो वो सबसे पहले वो कट ऑफ मार्क्स में जाकर, ये जो नई कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट आई है ये इसी पेज पे आपको अवेलेबल है, कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट, इसमें आप जाके नई कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट को विजिट करें। पुरानी में और नई में डिफरेंस है। तो नई कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट में आप जो कॉलेज चूज़ करें पहले देख लें कि उसका मेरिट या उसका कट ऑफ कितना है, फिर आप क्लेम कॉलेज करें, वरना अगर आपका जो है क्लेम ज़ाया हो जाएगा और क्लेम आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर आपने ध्यान से क्लेम करना है और आपने इस ऑप्शन को ज़ाया नहीं करना है। तो स्टूडेंट इसके ज़रिए अपना कॉलेज भी क्लेम कर सकते हैं और अपना फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं। जब आप ये क्लेम कॉलेज को क्लिक करेंगे, ये क्लेम कॉलेज करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, CNIC या बी फॉर्म नंबर देंगे और मैट्रिक रोल नंबर ऐड करेंगे, तो फिर ये प्रोसीड हो जाएगा। फिर आप इसको प्रोसीड कर देंगे, आपके पास कॉलेज का सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए, अपने कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा। कॉलेज क्लेम करने के लिए एक मखसूस क्राइटेरिया है, तमाम स्टूडेंट इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। इसके क्राइटेरिया में फर्स्टली ये है कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने सैकेप की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त जो 5 अपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे उसमें उनका एडमिशन नहीं हुआ और किसी और कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, तो वो कॉलेज क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली, ऐसे स्टूडेंट भी क्लेम कॉलेज कर सकते हैं जिनका ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो गया है जिसकी मेरिट या कट ऑफ मार्क्स जो है उनके टोटल मार्क्स से कम है, यानी वो ज़्यादा बेहतर कॉलेज में एलिजिबल हैं, यानी उनके जो टोटल मार्क्स हैं किसी और कॉलेज की मेरिट को या कट ऑफ मार्क्स को मैच करते हैं, तो वो जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं अगर उसके कट ऑफ या मेरिट जो है उनके टोटल मार्क्स से अकॉर्डिंग है तो वो उस कॉलेज को क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ख्याल रखना है। आप जल्द से जल्द अपने क्लेम कॉलेज का फॉर्म जो है फिल कर दें, लेकिन आपने बहुत ध्यान से कॉलेज का क्लेम फॉर्म को फिल करना है क्योंकि ये आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं और ये सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है, इसके लिए आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने इसका क्लेम फॉर्म ही फिल करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।